हम पढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमको पढ़ना आते ही फ्रेंड्स, प्लस माइनस करना आते ही आप घर पे और मम्मी पापा से आपके सम ले लीजिएगा, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एक बार आप यहाँ पर भी देख लीजिए, आप इसको एक बार अपने कॉपी से ओन करना कोशिश हो जाएंगे। अब अगर बात करते हैं हम किसकी, नंबर लाइन की। नंबर लाइन बहुत ज्यादा जरूरी है और ये आपके एग्जाम के लिए भी, और अगर एग्जाम के लिए नहीं भी जरूरी है फिर भी आपको बहुत इजी भी है और फिर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। देखिए अगर बात करते हैं हम इसको कैसे करेंगे, देखिए 4 + 7 हम जानते हैं कितना होगा 11। अब आपको क्या करना है, 4 है तो 4 से स्टार्ट करना है। कहाँ तक जाना है आपको, 7 बार राउंड लगाना है, ऐसे कर लीजिए आप। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितना आया 11। तो मतलब 4 और 7 कितना होता है 11। एक मेथड ये हो गई। दूसरी मेथड की बात करें तो दूसरी मेथड ये हो सकती है कि 4 + 7 आप प्लस कर लीजिए 8, 9, 10, 11, फिर आप 11 पे चले जाइए। या फिर आप 4 को कितनी बार ले जाइए, 7 बार ले जाइए, फिर 11 आ जाएगा, ऐसा कर लीजिए। सेकंड बात करते हैं हम 6 + 8 की, मतलब 6 है तो 6 से मुझे शुरू करना है। कितनी बार जाना है मुझे, 8 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितना आ जाएगा, 6 + 8, 14। होप्स आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है नंबर लाइन। इसी तरीके से देखिए 7 + 9, 7 से जाइए 1, 2। बच्चे क्या करते हैं, 7 + 9 है, सिर्फ 9 पे आकर रुक जाता है, ये आपको बिल्कुल नहीं करनी गलती। आपको कहाँ तक जाना है, 9 बार जाना है, ऐसे कर लीजिए आप। तो क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कितना आ गया, 16। तो 7 + 9 कितना हो जाएगा, 16। ये दो आपका होमवर्क रहेंगे, दो आप कीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं हम सब्ट्रैक्शन की, वो भी हमने बात की थी एडिशन की। फ्रेंड्स देखिए नंबर लाइन में क्या होता है, जैसे ये नंबर लाइन मान लीजिए स्टार्टिंग में अगर ये यहाँ पर 0 रहेगा सेंटर में, इस साइड पर राइट हैंड की बात करो तो यहाँ पे प्लस में रहते हैं नंबर, इधर की बात करो तो इधर नंबर किस में रहेंगे आपके, माइनस में। ठीक है, अभी हमने इस वाले में जो किया था वो ऐड किया था, इसके लिए हम इधर गए थे। अब ये वाला जो है वो सब्ट्रैक्ट है, तो सब्ट्रैक्ट है तो आपको किधर जाना पड़ेगा, इस साइड जाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं 8 - 5 की। आप 8 से शुरू हो जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितना आ गया, 3। और हम जानते हैं कि 8 में से 5 जाते तो 3 बचते, चाहते तो आप यहाँ पर 3 पर आकर रोक देते डायरेक्ट तो भी आपका सही हो जाता। लेकिन अगर आप दो मेथड आप हमेशा यूज कीजिएगा, क्योंकि कभी एक गलत हो जाए तो दूसरी आपको बेनिफिशियल है। अब हमारा 13 - 6, अब माइनस करना है। मैंने आपको बताया नंबर लाइन में कि माइनस हमेशा इस साइड होता है, तो 13 से शुरू कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। होप सो आपको समझ में आएगा कैसे करना है। इसी तरीके से ये रहेगा आपका, होप सो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप इसको और आगे कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं, ये मैंने बात की थी अभी किसकी, माइनस वाले की। इससे पहले हमने कर चुके हैं एडिशन की, ये कुछ एडिशन रहेंगे। एडिशन तो आपको आते ही, तो मुझे कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये भी एडिशन हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्शन। हाँ ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स रहेगी, वर्ड प्रॉब्लम्स हम देख लेंगे। वैसे अगर आप इसको देखें तो चलो इस देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ रेडियो इज रुपीज, इतने रुपीज का कोई रेडियो था, कॉस्ट ऑफ टेलीविजन इतने का। तो आपको बताना है कि टोटल कितने, दोनों आइटम का टोटल कितना हुआ। तो जब भी टोटल की बात की जाएगी तो क्या आप कर देंगे, हम प्लस कर देंगे, इन दोनों का प्लस कर दीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर। अ बॉक्स कंटेन 1590 मार्बल्स, एक बॉक्स में इतने मार्बल्स है, अनादर बॉक्स में इतने मार्बल्स है, तो आपको बताना कि टोटल मार्बल्स कितने हो गए, हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर ऑल टुगेदर, सबको अगर मिलाया तो टोटल मार्बल्स कितने हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखिए, अ ट्रक कैरीड, एक कोई ट्रक है जो इतने केजी राइस मॉर्निंग में ले जाता है, 1988 kg इन द आफ्टरनून, एंड इतने वो इवनिंग में ले जाता है, आपको बताना कि टोटल वो कितने ले जाता है। होप्स आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। वैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, माई फादर अर्न रुपीज, इतने रुपीज आपके फादर की अर्न किया, इतने रुपीज उन्होंने बिजनेस में किया, इतने रुपीज उन्होंने फार्मिंग में किया, इन अ मंथ, एक मंथ में, तो आपको बताना है कि टोटल उन्होंने कितने उनके पास अर्निंग हो गई। ठीक है, अब अगर बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन की, तो देखिए देयर आर 9842 पीपल्स लिविंग इन अ टाउन, एक टाउन में इतने पीपल्स लिव करते हैं, इतने मैन है। ठीक है, अब आपको बताना है वुमेन कितनी होगी, टोटल आपको दिया है, मेन आपको पता है, वुमेन निकालनी है, तो कैसे कर देंगे आप, टोटल में से मेन को माइनस, तो क्या आ जाएगा आपका, वुमेन। होप से समझ में आया होगा। उसी तरीके से वाला क्वेश्चन देखिए, विश्वांत नाम का कोई एक लड़का है, उसने एक मंथ में अर्न किए इतने रुपीज, स्पेंड कर दिए उसने इतने रुपीज, आपको बताना है कि उसने हाउ मच मनी डज ही सेव इन अ मंथ, एक मंथ में उसने सेव कितने करे, कैसे करेंगे अपन इसमें से इसको माइनस। ठीक है, इसी तरीके से 3 क्वेश्चन रहेंगे, आप कर लीजिएगा, बहुत इजी रहेगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने आपको अभी बता दिया। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन आपको करना आते होंगे फ्रेंड्स, अगर
एक बार और देख लेते हैं हम, किसी भी संख्या का अगर जीरो में मल्टीप्लाई करते हैं, टू जीरो जा जीरो, फोर जीरो जा जीरो, वन में अगर मल्टीप्लाई करते किसी डिजिट का तो क्या आता है, वही डिजिट आ जाती है जो डिजिट होती है। बस ये दो लॉजिक आप याद रखिए, मल्टीप्लाई आपके गलत नहीं होंगे। आप ऐसे अपने घर में अपने मम्मी पापा से बहुत सारे सम ले लीजिएगा जिसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ, अब बात करते हैं इसकी, इसकी अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ दिया नहीं है, ठीक है। टू का अगर इंटू वन में करें तो टू आएगा, टू का इसमें टू में करना है तो फोर, फिर टू का थ्री में करेंगे सिक्स, टू का फोर में एट। अब ऐसा मत कीजिएगा कि एट का फाइव में कर देंगे, टू का ही फाइव में होगा, ठीक है। फिर टू का सिक्स में ट्वेल्व, फिर टू सेवन जा फोर्टीन, फिर टू एट जा सिक्सटीन, टू नाइन जा एटीन ऑलरेडी दिया है, टू टेन जा ट्वेंटी। इसी तरीके से इसको फिल कीजिएगा, थ्री का वन में, फिर थ्री का टू में दिया है, फिर थ्री का थ्री में, इस तरीके से। इसी तरीके से दो आपके होमवर्क रहेंगे, ये आपको करना है खुद घर पर प्रैक्टिस। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, अभी हमने एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन से देख ली लर्निंग की, मतलब ये टेबल बनाना। और अगर मैं बात करूँ मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, आपको फाइव का मल्टीप्लाई करना है किसमें, थ्री में। तो देखिए कैसे करेंगे, फाइव का मल्टीप्लाई थ्री में करना है, हम जानते हैं फिफ्टीन होता है, ऑटोमेटिकली आप इसके राउंड ले लीजिए कितने फाइव और फिफ्टीन पे आ जाइए, बट नहीं हमको स्केल में बताना है। तो देखिए वन वन टू थ्री, फिर वन टू थ्री, टू राउंड हो गए, वन टू थ्री थ्री, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फाइव, क्या आ गया आपका फिफ्टीन। इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको मजा भी आएगा करने में। सिक्स इंटू टू की बात करें तो मुझे टू टू का गैप लेना है और सिक्स बार करना है, तो वन टू ये वन हो गया, दो ये तीन, ये चार, ये पाँच और ये छः, और सिक्स टू जो हम जानते हैं कितना होता है ट्वेल्व, इसको आप लिख लीजिए। होप्स आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। वैसे इसको करना है फोर इंटू फाइव, फाइव बार राउंड लगाना है और कितने करना है फोर करना है, वैसे थ्री इंटू सेवन। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ नंबर स्केल्स जो मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन तीनों की बता दी है, होप्स आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच।